वालेकुम। जी आज की वीडियो जो है बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ओरिफ्लेम में अपना कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे हमें जो कमीशन है ना मेंबर्स के बेस पे मिलता है। डैट्स वाई कि हम आपको कहते हैं कि रिक्रूटमेंट करें, और आज की वीडियो से साफ पता चल जाएगा कि आपको कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होकर आपके पास आता है। ठीक है जी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लिख लिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले इस वाले साइड को। ठीक है, मैंने यहाँ पे करंट लेवल हम 12% का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 12%। ठीक है, मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने मेंबर 1 का नाम दिया है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है जी, पहली मेंबर हैं वो कर रही हैं 9% विथ 1200 पॉइंट्स। ठीक है, दूसरी मेंबर 6% कर रही है विथ 1000 पीपीस। ठीक है, थर्ड मेंबर भी कर रही है 600 बीपीस, और कर रही है 6% विथ 600 बीपीस। ठीक है, फोर मेंबर कर रही है 300 विथ 500 बीपीस। मेंबर फाइव जो है कर रही है 3% विथ 200 बीपीस। ठीक है, यहाँ हो गया, ये मेंबर्स इतना इतना लेवल कर रही हैं। ठीक है, एक मेंबर है वो इसी मंथ रजिस्टर हुई है, उसने सिर्फ 100 रुपीज़ किए हैं, वो अपना वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर लिया उसने। एक मेंबर ने 50 पॉइंट्स के सिर्फ अपना सेल्स एक्शन ने मेल किया। ठीक है, तो अब देखें, अब आ जाते हैं इस साइड पर। अब इस साइड पर मैंने लिखा है, देखें अब आपको क्या पता, अब आपने देखना है आपका कमीशन लेवल है 12% और आपके मेंबर का है 9%। ठीक है, 12% को 9% में से माइनस किया तो क्या आ गया, 3। मींस के आपको पहली मेंबर 3% का कमीशन देगी। ठीक है, फिर मेंबर 2 आ जाता है, मेंबर 2 में 12% किया, 12 में से 6 माइनस कर दें, मैं आपको इस सेकेंड मेंबर देगी 6%। ठीक है, फिर अपने लेवल में से थर्ड मेंबर का माइनस करना है तो ये भी आपको देगी 3% का, 6% का कमीशन। फिर 12% को मेंबर 4 में से माइनस करना है, वो कर रही है 3%, तो आपको यहाँ से आएगा 9% का कमीशन। ठीक है, मेंबर 4 आपको दे रही है 9% का कमीशन, मेंबर 5 आपको देगी 9% का कमीशन, बिकॉज उसने भी 3% टाइटल किया था। मेंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसने किया है 600 पॉइंट। आपके लेवल में से इसका कोई भी लेवल नहीं है तो इसका 0% लेवल हुआ। ठीक है, इसको माइनस किया तो कितना बचा, 12% ही बचा। 50 जिसने किया है उसने भी कोई लेवल नहीं अचीव किया, तो मीन्स क्रैक ये लड़की भी आपको 12% का कमीशन दे रही है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि यहाँ से 3 का आएगा, यहाँ से 6 का आएगा, यहाँ से भी 6 का आएगा, यहाँ से 9 का आएगा, यहाँ से 9 का आएगा, यहाँ से 12 का आएगा, यहाँ से 12 का आएगा। अब इस पे देखें, हमारा मैक्सिमम कमीशन लिखा होता है 3% पे, नहीं होता है 250 से 600 तक। तो अब हमें कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये हमें कितने पीपीस दे रही है, कितना दे रही है पैसे। ठीक है, तो कमीशन किस तरह दे रही है, इसका एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, फार्मूला है बीपीस मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई ये बिजनेस वॉल्यूम होता है। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम, और यहाँ पे परसेंटेज लेवल। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला है। अब हमने इन सब को बारी बारी इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। जी अब मैंने जो है ना ये एक कैलकुलेशन कर ली है पूरी तरीके से। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, मैंने आपको बताया था बीपीस, इस मेंबर ने जितने बीपीस किए हैं, ठीक है, उसको लिखना है 58 सबके साथ सेम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेवल तब चेंज होगा। ये जो है ना हमने निकाला था कि हमें इधर से कितना कमीशन, कितने परसेंट का कमीशन आ गया, 3% का, तो यहाँ पे 3% आ गया। ठीक है, फिर सेम एज इट इज़ इसके पॉइंट्स, इसने कितने, मेंबर 2 ने 1000 पीपीस किए थे, यहाँ पे 1000 आ गया। ठीक है, और अब थर्ड मेंबर ने जितने पॉइंट्स किए हैं, ठीक है, उसके पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय उसका लेवल। ठीक है, उसने कौन सा, उसे हमें कितना कमीशन आ रहा है, 6% का आ रहा है। ठीक है, फिर अब मेंबर 4 की बारी आ जाती है, 500 मल्टीप्लाई बाय 58 और इधर से हमें कितना कमीशन आ रहा था, 9% का, यहाँ पे आ जाएगा 9%। ठीक है, फिर मेंबर 5 इसने कितने पॉइंट्स किए थे, 258 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, उसने हमें उससे कितना आ रहा था, 9% का। ठीक है, यहाँ पे 9% आ जाएगा। फिर उसने 6 मेंबर का उसके पॉइंट्स 58 और उसने कितने किए थे, 12%। ठीक है, उसे हमें कितना कमीशन आ रहा था, 12%। फिर 50 पॉइंट्स मल्टीप्लाई 12%। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
फिर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये देखें इसका इधर जी, अब देख लिया यहाँ इधर से हमें कितना कमीशन आया, इधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, इधर से 2000 आएगा 88, ठीक है। इधर सब मैंने लिख दिया जितना जितना कैलकुलेट किया मैंने इन सबको, ठीक है। और टोटल हमारा जो 12% पे इन इतने जो जो मेंबर ये टारगेट कर रही है, तो टोटल हमारा बन रहा है 12,344 रुपये, ठीक है। अभी इसमें से ना जो नॉन फाइलर होते हैं ना, उसमें उनका कमीशन डिटेक्ट होता है, जो नॉन फाइलर होते हैं उनका कमीशन 24% डिटेक्ट होता है, और जो फाइलर होते हैं उनका 12% इसमें से डिटेक्ट होता है, ठीक है। वो टैक्स होता है हुकूमत की तरफ से, तो वो लाजमी भी पे करना पड़ता है। तो बेटर ये है कि आप फाइलर बन जाए, 2000 फी होती है, पूरे साल का फाइलर बना जाता है, ठीक है। तो इसमें से फिर आपका कम कमीशन डिटेक्ट होगा, ठीक है।